हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम देसी पुलाव। तो मैंने बहुत सारा प्याज कट कर लिया है, उसके बाद हरी मिर्ची, लाल मिर्ची और जीरा डाल दिया है तड़के के लिए, तेज़पत्ता, मैंने खड़ा मसाला डाल दिया है। उसके बाद मैं इसको ब्राउन होने तक ऐसे ही फ्राई कर दूँगी जिससे कि प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए। उसके बाद मैंने दही में मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला सब डाल के अच्छी तरह से इसको फेंट लिया था और मैंने इसमें डाल दिया है और एक अच्छा सा पेस्ट बन गया है। उसके बाद इसको भी थोड़ी देर तक मैं इसे ही पकाती रहूँगी। उसके बाद मैंने चावल अच्छे से पहले से भिगा के रख दिया है तो चावल भी अच्छे से फूल गया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इस पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ जिससे कि बहुत ही अच्छा कलर आने वाला है। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिला दूँगी और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी। और अभी मैंने इसमें चावल भी डाल दिया है और इसमें 2 गिलास के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है और जिससे कि अच्छी तरह से ये मस्त देसी पुलाव बन के तैयार हो जाएगा। बस मैंने पानी डाल दिया है, उसके बाद इसमें मैं नमक भी डाल दूँगी और बहुत ही खिला खिला सा ये मस्त पुलाव बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल दूँगी जिससे कि एकदम खिला खिला सा बने और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से ढक दूँगी। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा पुदीने की पत्ती डाल देती हूँ जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, 6-7 पत्ती से डालूँगी और ये बहुत ही जल्दी बनने वाला है। अगर मेहमान आते हैं तो फटाफट बनता है। बस मैंने भी पत्ती ऐसे ही डाल दूँगी। उसके बाद इसमें हरा धनिया भी आप डाल सकते हो, तो मैंने भी इसमें पुदीना डाल दिया है। उसके बाद मैं इसको ढक दूँगी ढक्कन से और अभी ये 10 मिनट के बाद एकदम मस्त खिला खिला सा पुलाव बन गया है। उसके बाद मैं इसको अभी प्लेट में निकाल लूँगी। उसके बाद मैं इस पर तली हुई प्याज रख दूँगी।